नमस्ते, आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी वाले मार्शा पर स्वागत है। साथियों, हम छंद प्रकरण पर बात कर रहे थे। दो छंद हमने पहले देखे, गीतिका और हरि गीतिका, दोनों ही मात्रिक छंद थे। और मात्रिक में ही अगला छंद आज का हमारा रहेगा छप्पे। आज का जो अभी का है उस छंद का नाम क्या है? छप्पे। छप्पे शब्द से ही आभास हो रहा है कि इसमें छह पैर होंगे, अर्थात छह पद होंगे। और छह पद है तो इसके इसके जो छह चरण हैं, इन छह चरणों में क्या क्या रहेगा, इसकी नियमावली क्या है, इस पर कौन कौन से नियम लागू होते हैं, क्या शर्तें हैं, क्या लक्षण है, क्या परिभाषा है, पहले वो देखते हैं, उसके पश्चात हम बात करेंगे इसके उदाहरणों की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि छप्पे एक विषम मात्रिक छंद है। विषम मात्रिक छंद है, देखिएगा थोड़ा इससे थोड़ा नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे एक घंटे का एक वीडियो लगा है, वहां पर आप देख पाएंगे कि मात्रिक छंद क्या है, वर्णिक छंद क्या है, सम क्या है, अर्ध सम क्या है, विषम क्या है, वो सारी चीजें वहां पर बताई गई हैं। विषम का अर्थ है जिसके न तो आधे चरण समान होते हैं न पूरे चरण समान होते हैं, अर्थात या सॉरी न आधे चरण न पूरे चरण, अपितु अलग अलग चरणों की अलग अलग विशेषताएं वहां पर देखने को मिलती है, या एक से ज्यादा विशेषताएं वहां देखने को मिलती है, ऐसे चरण को, ऐसे छंद को विषम मात्रिक छंद कहा जाता है। सबसे पहली बात यह आ गई कि यह एक विषम मात्रिक छंद है, यह रोला व उल्लाला छंद से, रोला व उल्लाला छंद के मिश्रण से बना है, मिश्रण से बना है। अब रोला छंद में तो चार पंक्तियां होती है और उल्लाला में दो होती है, तो चार और दो छह पंक्तियां इसमें इस प्रकार से होंगी। अच्छा, छप्पे जो है इसमें कौन कौन से छंद है आप देख पा रहे हैं, रोला और उल्लाला। अब रो का रोला का रो ले लिया, उल्लाला का उ ले लो, तो इसका मतलब क्या है कि छप्पे रोऊं। आप इसको ये एक सूत्र बना लीजिए कि छप्पे रोऊं, अर्थात छप्पे छंद में रोला और उल्लाला छंद का मिश्रण है, या रोला और उल्लाला से मिलकर यह छंद बना हुआ है। अब देखते हैं आगे। अब रोला की कितनी पंक्तियां? चार, उल्लाला की दो, तो यह लिखेंगे हमें इसकी, या मतलब इसकी का अर्थ यहां पर है छप्पे छंद से, इसकी प्रथम चार पंक्तियों में, इसकी प्रथम चार पंक्तियों में 11-13 पर यति होती है, 11-13 पर यति होती है, अर्थात प्रथम चार पंक्तियों में, अर्थात प्रथम चार पंक्तियों में 24-24, आप देख पा रहे 11 और 13 का योग 24 होता है, 24-24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 24-24 मात्राएं होती हैं, यति होती है। अब अगला पॉइंट लगाते हैं, और उल्लाला छंद में क्या होता है, 28-28 मात्राएं होती है, और उसमें यति 15-13 पर स्थापित की जाती है। इसकी अंतिम, इसकी का अर्थ आप छप्पे ले, इसकी अंतिम दो पंक्तियों में, इसकी अंतिम दो पंक्तियों में 15-13 पर यति होती है, अर्थात अंतिम दो पंक्तियों में, अंतिम दो पंक्तियों में, पंक्तियों में 28-28 मात्राएं, 28-28 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 28-28 मात्राएं इसमें होती है। और खास बात इसकी क्या है कि इसकी तुक हमेशा देखेंगे, इसकी पांचवा तुक, ये जो रोला छंद था
रोला छंद की या रोला छंद में तुक विषम चरणों में, विषम चरणों में तथा उल्लाला छंद की, तथा उल्लाला छंद में अर्थात अंतिम दो में उल्लाला छंद में सम चरणों में, सम चरणों में प्राप्त होती है। ये इसकी मुख्य मूलभूत शर्तें हैं। और इन शर्तों के आधार पर सबसे पहली शर्त तो क्या है, या इसका जो नियम है वह है क्या है कि यह एक विषम मात्रिक छंद है। यह विषम भी है और मात्रिक भी है, वर्णिक वर्णिक छंद नहीं है। यह है रोला और उल्लाला के मिश्रण से बना है। प्रथम चार पंक्तियों में 11-13 पर्यति होती है, अर्थात 24-24 मात्राएं होती है। अंतिम दो पंक्तियों में 15-13 पर्यति होती है, अर्थात 28-28 मात्राएं यहां पर देखने को मिलती हैं। ये थी इसकी मुख्य शर्तें। अब हम इसका उदाहरण लिखेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अन्यथा आप रोक कर लिख सकते हैं इसे। चलते आगे। हाँ, ये याद रखने लायक बात है कि 56 छंद में कौन कौन से दो छंदों का मिश्रण देखने को मिलता है या देखने को प्राप्त होता है। तो 56 छंद में कौन कौन से दो छंद है आप देख पा रहे हैं, छप छप रोम। इस प्रकार से आप इसे किसी भी एक आइडिया फिट कर लीजिएगा और उससे याद रखें। नीलांबर उदाहरण लिखते हैं हमें इसका। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट, सूर्य चंद्र युग मुकुट, मेखला रत्नाकर है, मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह है, नदियां प्रेम प्रवाह है, फूल तारा मंडल है, बंदी जने खग वृंदे, बंदी जने खग वृंदे, बंदी जने खग वृंदे, शेष फन सिंहासन है, शेष फन सिंहासन है, शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध है, करते अभिषेक पयोध है, पयोध का अर्थ पय है धने, करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस वेश की, बलिहारी इस वेश की, तो सत्य ही हे मातृभूमि, हे मातृभूमि तू सत्य ही, तू सत्य ही सैगुण मूर्ति सर्वेश की, तू सत्य ही सैगुण मूर्ति सर्वेश की। चलते हैं अब इस पर और देखते हैं, मात्रा स्थापित करते हैं, मात्राएं लगाते हैं कि नीलांबर, यहां मात्राएं कितनी कितनी होनी चाहिए थी। प्रथम चार पंक्तियों में यहां 24 24 24 24 28 28, यहां 11-13 पर्यति, यहां 15-13 पर्यति। देखते हैं मिलाकर, दो दो एक 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 एक, दो एक 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 एक, सु में छोटा हुआ है लेकिन अनुस्वार आ गया तो गुरु मात्रा लगेगी, लघु लघु और गुरु। यहां पहले से गुरु है तो जरूरत ही नहीं पड़ी, यहां लघु, यहां गुरु, यहां लघु, लघु 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 सॉरी गुरु लघु गुरु, फिर गुरु गुरु लघु लघु फिर गुरु। यहां देखेंगे लघु लघु गुरु गुरु लघु,
लघु गुरु लघु, क्योंकि यहां पे पहले है आधा और रे बाद में है, और पहले यदि आधा अक्षर आता तो उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। यहां गुरु लघु, गुरु गुरु, फिर गुरु, फिर लघु लघु और गुरु। यहां देखते हैं गुरु गुरु लघु 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 गुरु लघु। री चूंकि लघु स्वर है लेकिन ऊपर क्या आ गया अनुस्वार, इस वजह से यहां गुरु लघु लघु लघु, फिर गुरु गुरु लघु लघु, फिर गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु लघु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु 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 लघु गुरु लघु गुरु। यहाँ गुरु यहाँ लघु, यहाँ गुरु यहाँ लघु लघु लघु, फिर गुरु फिर लघु से रे, रे आ गया तो इसका मतलब गुरु आ गई, फिर ये गुरु ये लघु और ये गुरु। गणना करके देखते हैं, दो दो चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह ग्यारह आ गए यहां तक, फिर एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, ये चौ ग्यारह और 13 का सामंजस्य बैठ गया। यहां दो और एक तीन, फिर चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह, यहां तक 11 आ गई, फिर दो एक तीन दो पांच दो सात दो नौ दो ग्यारह दो 13 ये भी बैठ गया। दो और दो चार दो छह दो आठ दो दस रह गए, यहां तक का मामला 11 का, तीन दो पांच दो सात दो नौ दो ग्यारह दो 13 ये मात्राएं बैठ चुकी हैं। यहाँ दो दो चार दो छह दो आठ, आठ तीन 11 है, फिर तीन दो पांच दो सात दो नौ दो ग्यारह दो 13 यहां भी मात्राएं आप देख पा रहे हैं 13 बैठ रही है। फिर अब यहां 11 13 का जो मामला था वो तो हो गया, अब हम जी 18 15 13 मतलब 28 मात्राएं, तो दो दो चार दो छह दो आठ नौ दस 11 12 13 14 15 यहां तक 15 हो चुकी हैं। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस 11 12 13 यहां भी आप देख पा रहे हैं 28 मात्राएं हो गई, और दो दो चार पांच छह सात आठ नौ दस 11 12 13 14 15 यहां तक 15 मात्राएं। और आगे चलते हैं, तीन दो पांच छह सात आठ नौ दस 11 12 13 तो यहां पर भी 15 13 प्रयति आ गई। हम कह सकते हैं कि ये जो 24 मात्राएं बैठ गई, ये आ गया ये आ गया ये आ गया, और ये सारी शर्तें यहां पर हम इस उदाहरण में संपूर्ण कर चुके हैं। अब देखते हैं इसका एक और उदाहरण, और उस उदाहरण के बाद अगला वीडियो कुंडलियां देखेंगे। तो इस उदाहरण को आपने लिख लिया होगा, मात्रा आप लगा कर देख सकते हैं, यदि कहीं दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, या जो मात्रा निर्धारण के नियम का जो वीडियो इस पर लगा हुआ है प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, छंद और अलंकार वाले में। और साथ ही आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखते हैं एक और उदाहरण लिखते हैं, होता जिनको वयस के कोरी बातें करने का, होता जिनको वयस ने बस। सबसे खास बात तो याद रखने की मात्रिक छंद है, विषम है, और रोला और उल्लाला मतलब छप छप रोऊं, रोने का तो ढांढा रोया कि नहीं आपने तुम्हारी में तो, लेकिन दो ने इस छंद में के मामलो फिट आ याद रखने का तरह पके इसका छप छपे रोऊं, और बाकी तो थिसम जो ही हो। होता जिनको वैसे में बात कोरी करने का, सीखे हो जो पाठ ने गोरों से डरने का, सीखें हो जो ने पाठ पाठ ने गौरों से डरने का, जिनको किंचित खेद न हो, जिनको किंचित खेद जिनको किंचित खेद सॉरी न हो, जीने मरने का,
सतपथ से हो स्वप्न ने, सतपथ से हो स्वप्न ने पग पीछे धरने का ये उलाला था। ये उलाला में सोरठा वाली बातें होती है, सोरठा उदाहरण छंद यहां पढ़ेंगे। सोरठा में भी 11-13 पर ही यति होती है, लेकिन उसमें भी कुल मिलाकर 24 मात्राएं होती है, लेकिन सोरठे में 2 पंक्तियां होती है। और इसकी शर्त बस यही है कि रोला में हमें 4 पंक्तियों का ये छंद होता है, बस इतना ही फर्क है दोनों में, और कोई फर्क नहीं है। मात्र प्रेम वश ठान लें मात्री मातृ प्रेम वशे ठान लें जो कार्य क्षेत्र प्रदेश की, जो कार्य क्षेत्र प्रदेश की है फिर उनके हाथ में ही है, फिर उनके हाथ में ही स्वाधीनता स्वदेश की, स्वाधीनता स्वदेश की। मात्राएं लगाकर देखते हैं क्या मामला बैठता है, और उसके बाद क्या इसकी शर्तें यहां पर लागू होती हैं या नहीं। अब जानते हैं इस बात को कि इसमें इन 4 पंक्तियों में हमें 24-24 मात्राएं चाहिए और अंतिम 2 में 28-28 मात्राएं चाहिए। यहां देखते हैं गुरु गुरु लघु लघु गुरु, फिर लघु लघु लघु, फिर गुरु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु गुरु, यहां गुरु 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 लघु लघु गुरु 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 लघु लघु गुरु गुरु। आगे देखते हैं लघु लघु गुरु लघु, सॉरी यहां गुरु होगी क्योंकि की तो छोटी है लेकिन इसके ऊपर अनुस्वार आ गया, तो गुरु लघु लघु, फिर गुरु लघु लघु गुरु 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 लघु लघु गुरु गुरु। आगे चलते हैं, यहां आधा तय आने की वजह से क्या होगा, गुरु लघु लघु गुरु गुरु लघु, सॉरी यहां भी ये स है तो पहले आ गया, इसका फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये पे आधा बाद में आ रहा है इसका फर्क पड़ने वाला है, इसलिए ये इस प्रकार से लघु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु गुरु। आगे चलते हैं गुरु फिर लघु, क्योंकि ये प्रेम अलग चीज है, तो यहां गुरु लघु 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 गुरु लघु गुरु 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 लघु गुरु और लघु, फिर लघु फिर गुरु फिर लघु फिर गुरु। यहां देखेंगे ये गुरु है, फिर लघु 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 गुरु गुरु लघु गुरु गुरु, फिर गुरु गुरु लघु गुरु, फिर लघु गुरु लघु गुरु। देखते हैं मात्राएं कि 2, 2, 4, 2, 6, 6, 3, 9, 10, 11, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यहां तक हो गई 11 है, फिर 3, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13 है, 11, 13 होगी, 2, 4, 6, 8, 10 और 11 है, यहां तक 11 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। आगे देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यहां तक 11 है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 यहां तक मात्राएं 13 है, फिर 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहां तक 11 है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 यहां तक मात्राएं 13। तो हम कह सकते हैं कि पहली 4 पंक्तियों की मात्राएं समुचित तरीके से बैठ गई हैं। अगली दो देखते हैं, 2, 1, 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यहां तक 15 है, फिर 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो जो कार्य क्षेत्र प्रदेश की क्या रहा, 2, 1, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यहां तक ठीक है, फिर कार्य क्षेत्र प्रदेश की 2, फिर 3, फिर 4, 5,
छः सात अरे हाँ 8 9 10 11 12, यहाँ 11 12 कैसी रही हुई। मात्र प्रेम वश ठान ले जो कार्य क्षेत्र प्रदेश की, कार्य क्षेत्र बिल्कुल समझ गए सर। यहां ये जो क्षेत्र शब्द है वो यहां मिलाकर लिखा हुआ है, और मिलाकर लिखे हुए होने की वजह से यहां क्या रहेगा, ये जो लघु मात्रा थी यहां पर आप देख पा रहे हैं कि आगे क्या आ गया, संयुक्त वर्ण आ गया, तो यहां गुरु मात्रा, फिर यहां गुरु मात्रा, और फिर यहां पर लघु मात्रा। यहां तक हम 15 गिन चुके थे, 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 15 और 13, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15, यहां तक मात्राएं हो गई 15 है। आगे देखते हैं, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और यहां पर 15 13 28 का योग आपका फिट बैठ गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 26 छंद के दो उदाहरण हमने देखे, और न केवल उदाहरण देखे बल्कि इन उदाहरणों पर हमने मात्राएं लगाकर भी देखा, कि ताकि हमारा अभ्यास भी रहे। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में, अपनी कॉपी में, रफ वर्क में एक काम करते रहे, ताकि हमारी जो तैयारी है वो समुचित ढंग से चलती रहे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे कुंडलिया छंद के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।